एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हम अपनी रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को हम देखेंगे आज के इस रीडिंग में हम अपनी, ठीक है? तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है? उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, तो जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको, ठीक है? आपके पार्टनर की अभी की इस वक्त की करंट फीलिंग को हम लोग देखेंगे, ठीक है? और अगेन मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। और कल मैंने दो वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देखो, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हो ये रीडिंग्स, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, है ना? हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो और आपको पता हो लेकिन उनको पता ना हो, है ना? तो किसी की हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से, ठीक है? सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग जो होती है फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है, ओके? चलो कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो पहला कार्ड आ गया है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, पहला कार्ड मेरे पास, ठीक है? सो इसको मैं रखती हूँ यहाँ, ओके? चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और कार्ड निकालते हैं हम, ठीक है? क्योंकि अभी तो मेरे पास एक ही कार्ड है। ओहो, फोर ऑफ वैंड्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओह, जजमेंट, ओके, जजमेंट का कार्ड है, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके? प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके? और कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स, ओके? और देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, चलिए देखते हैं और कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, बहुत सारे कार्ड्स मेरे पास निकल गए हैं जो कि मैं नहीं लूँगी, ठीक है? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, ओके। क्या है ना कि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है? इसलिए जो है ना मुझे प्रॉब्लम होती है कार्ड को सफल करने में। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ओके? डेविल की एनर्जी है, ओके? प्लीज़ गाइड मी, ओके। द टावर, ओके। प्लीज़ गाइड मी, करंट फीलिंग, प्लीज़ गाइड मी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके? तो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और यहाँ पे एरीज, लियो, सहज भी है।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है हमारे पास, ठीक है। तो सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। चलो बात करते हैं करेंट फीलिंग की। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, बहुत सारे लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, कुछ टाइम से हो या फिर लंबे टाइम से, लेकिन सेपरेशन मोड यहाँ पे चल रहा है आपका, आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण से, या कहें तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, इसके वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आपके पर्सन ने जो है आपके साथ मिसबिहेव भी किया है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो है आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है आपको, या फिर कहे तो हर जगह से ब्लॉक ही किया है उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ बहुत सारी सिचुएशन जो है ना चेंज हुई है, और बहुत ही अलग 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 सिचुएशन है, ठीक है। यानी कि कहें तो थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई लड़का है कोई लड़की है, ठीक है, लेकिन जो भी है यहाँ पे उन्होंने ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है। एक कहते हैं कि माचिस की तिल्ली है ना यहाँ पे लगाई हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो गया है। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस पर्सन का जो है ना, आपको ऐसा भी फील होता है कि इस पर्सन ने मुझे बहुत धोखा दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, आपको चीट किया है, ठीक है। करेंट फीलिंग में देखो तो ये पर्सन अपने धोखे को, अपने तकलीफ़ को, थर्ड पार्टी की वजह से जो आप दोनों में सेपरेशन आया है, उस चीज़ को ये याद कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने जो है ना आपको भी गलत ठहराया है, ठीक है। आपको भी जो मुझे तो दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेल फीमेल दोनों ही एनर्जीज हैं मेरे पास, ठीक है, दोनों ही एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे फीमेल का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, फीमेल का मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और इनकी वजह से ही बहुत 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 बवाल हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग तो यही मुझे दिख रही है कि ये उसी चीज़ को याद कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने आपको चीट किया है, जिस तरह इन्होंने आपको धोखा दिया है, और आपने बड़े ही हिम्मत के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व थे, आपको पता था, ठीक है, फिर भी आप बर्दाश्त करते गए करते गए करते गए, है ना, क्योंकि आपको वो पर्सन चाहिए था, ठीक है, आपको ईश्वर पे भरोसा है, आपको उन पे भरोसा है कि हाँ सब सही हो जाएगा टाइम पे, ठीक है, आपको उन पे यकीन है। मुझे तो यही दिख रहा है कि आप आंख बंद करके बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि सब सही हो जाएगा, ठीक है, सब सही हो जाएगा। और यहाँ वही मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि यहाँ पे आपको आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये दिल से कम सोचने वाले हैं, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने मतलब के लिए भी कह सकते हैं, कि मतलबी पर्सन भी कह सकते हैं इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टू कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्सन मतलबी भी है, ठीक है, अपने मतलब के लिए मतलब रखना, और यहाँ पे अपने मतलब के लिए जो है मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे इस पर्सन को ये पता चल रहा है, ठीक है, इस पर्सन को ये बातें याद आ रही हैं कि मैंने किस तरह उसे चीट किया है, किस तरह मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया है जो कि सही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है, और यहाँ ये पर्सन उस गलती को सुधारने को भी तैयार है, उस गलती को सुधारने के लिए ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि हाँ करेंट
करंट फीलिंग में मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन को यही दिख रहा है कि हाँ मुझे उसके सामने जाना चाहिए, ठीक है, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पे उसके सामने प्रपोजल भी रखना चाहिए, अपनी गलतियों को मान के उसके सामने प्रपोजल भी रखना चाहिए, मैरिज का प्रपोजल, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं आपके साथ। न्यू बिगनिंग के लिए जो है ना ये पर्सन दिख रहा है कि यहाँ पे चाहते हैं कि मैं अपने एफर्ट्स डालूं और न्यू बिगनिंग करूं उसके साथ, ठीक है। तो मुझे न्यू बिगनिंग का ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कार्ड्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि हाँ ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने का एक मौका चाहते हैं आपसे और वो मौका देना आपके हाथ में है। तो मुझे तो दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है, और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड है मेरे पास। नंबर फोर हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मंथ हो, आपके पर्सन का हो, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये इस पर्सन की करंट फीलिंग यही हो रही है कि अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका इनको चाहिए और वो मौका आप दे सकते हो, ठीक है, और ये गलती सुधरेगी आपसे शादी करके, आपसे इंगेज हो करके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्शन भी तो देखना है ना, और हम देखते हैं कि हाँ क्या कब तक एक्शन ले लेंगे, है ना। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके सो ये पर्सन चाहते तो हैं बात करना, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में थिंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट फीलिंग में तो मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं, ठीक है, अभी सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। अगेन देखिए मेरे पास कार्ड आया जो मैंने कहा कि सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन सोच ही रहे हैं, देख रहे हो, टू ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी टू ऑफ वैंड्स का कार्ड, यहाँ पे डीप थिंकिंग कर रही है आपके पर्सन जो है ना, डीप थिंकिंग कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कब हम मिलेंगे कब नहीं, वो मुझे माफ़ करेगी भी कि नहीं करेगी, है ना, क्योंकि मैंने जो उसके साथ बिहेव किया है ना, वो डिज़र्व ही नहीं करती थी, फिर भी मैंने किया है उसके साथ गलत, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। ओके और देखते हैं कार्ड्स, और कार्ड्स निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनको गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर आप गेम से रिलेटेड हो, आपके पर्सन गेम से गेम को ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, कोई ना कोई जो है इनका एक गोल है जो इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, रातों को अक्सर उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, है ना, किसी किसी को सोच ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे ये पर्सन वही है, डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, ज़्यादा ही कह सकते हैं कि डीप लेवल की थिंकिंग चलती है इनकी आपके लिए, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। तो देखो ये कार्ड इतने ज़्यादा गिर जाते हैं ना कभी कभी, ठीक है, तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग ही चाहते हैं आपके साथ, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन होना है यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन को आपके पास वापस आना है, ये तो मुझे दिख रहा है, कंफर्म दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। चलो और देखते हैं, देखो मैंने कहा ही ना कि ये पर्सन आएंगे ही आएंगे, और देखो ये स्टेप धीरे धीरे लेंगे, भले ये पर्सन ये इन और आउट करते रहते हैं लेकिन ये पर्सन जो है ना एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए, ठीक है, ये धीरे धीरे करके जो है ना आपकी तरफ मूव करेंगे और ये पर्सन एक्शन भी लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे अपने रिलेशनशिप में। तो अगेन मेरे पास फोर नंबर का कार्ड आया है जो कि बता रहा है ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको कब एक्शन लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
मैंने जैसा कि कहा कि इनको रिग्रेट भी फील हो रहा है, अपने गलती का पछतावा भी हो रहा है, जो इन्होंने किया है वो सही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन को रिग्रेट भी फील हो रहा है और ये पर्सन जो है ना उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। ओके ओके, सो इनको रिग्रेट फील हो रहा है और ये पर्सन क्या करेंगे, रिग्रेट फील हो करके इनको ऐसा फील होगा इन फ्यूचर कि यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपने पर्सन की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप भी वेट कर रहे हो अपने पर्सन का और ये उसको जानते हैं, उस चीज़ को जानते हैं कि हाँ वो मेरा वेट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, वो तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार करते हैं या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है आप लोगों को। ठीक है, आपको या फिर आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी को सोलमेट कनेक्शन फील होता है, दोनों में से किसी को। ठीक है, ओके, सो एक कार्ड है मेरे पास यहाँ पे, 10 of Cups का कार्ड। ठीक है, 10 of Cups यानी कि फैमिली। ठीक है, फैमिली यानी कि यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका और इनका कनेक्शन जो है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है कि आपसे ये पर्सन शादी करेंगे, प्रपोज़ल रखेंगे आपके सामने। ठीक है, प्रपोज़ल रखेंगे और ये पर्सन जल्द ही आपकी लाइफ में वापस आने को तैयार हैं। ठीक है, सो चलो मैं इस कार्ड से भी देखती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे लॉर्ड यानी कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ही अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं रीयूनियन का, कि जल्दी से जल्द रीयूनियन हो जाए और आप दोनों का कनेक्शन जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ जाए। तो अपने ईश्वर से कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है जल्द से जल्द रीयूनियन का। ठीक है, तो और कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स मेरे पास आते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो मैंने जैसा कि कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो अब जो है आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं और ये जो है ना यहाँ पे एक्शन लेंगे और थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, तो ये एक्शन तो लेना ही है इनको। मैं बताऊँगी टाइम पीरियड के कितने टाइम में ये पर्सन एक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं। यहाँ पे थीप, मेरे पास दो दो कार्ड आए हैं जो कि थीप के कार्ड है। ठीक है, 7 of Swords और यहाँ पे ये थीप का कार्ड। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन, कुछ लोग ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे होंगे जो चोरी करना भी जानते होंगे, है ना। तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हर चीज़ें रेजोनेट करे। ठीक है, जो रेजोनेट कर रही है वही लें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी कुछ मतलब चीटिंग होती है ना, तो वही चीटिंग हुई है आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। यहाँ पे मनी, तो देखो यहाँ पे मनी के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, मनी के लिए ही, सिर्फ मनी के लिए ही रिश्ता रखा हो आपके साथ। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ पैसे 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 है ना, पैसे के लिए रिलेशन रखते हैं किसी के साथ, टाइम पास टाइप है ना, और पैसे जब मिल जाते हैं इनका मतलब जब निकल जाता है तो क्या होता है कि ये चले जाते हैं, टाटा बाय बाय सी यू करके चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और थॉट, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, थॉट का कार्ड आया है लास्ट कार्ड मेरे पास, जो कि बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो इस पर्सन के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से इस पर्सन ने जब से आपको धोखा दिया है तब से आप बहुत ही डीप लेवल की थिंकिंग करते हो इस पर्सन के बारे में। अफसोस भी होता है आपको, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप के होने की वजह से। ठीक है, तो आपको अफसोस भी होता है, रिग्रेट भी फील होता है कि अरे मैं, मेरे लायक था ही नहीं, मैंने उसे चूज़ कर लिया है ना, तो ऐसे भी है। ओके, रिट्रीट, तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि फिर से आपके पर्सन रिट्रीट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, फिर से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पर्सन, मैं थोड़ा सा और कार्ड निकालूंगी, ठीक है, थोड़ा सा और कार्ड्स निकालूंगी। ओके,
सो वेरी सून का कार्ड है मेरे पास, जो कि मुझे बता रहा है कि वेरी सून यानी कि बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द। तो यहाँ वेरी सून मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, चलो मैं टाइम पीरियड बताऊँगी, थोड़ा से और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद में टाइम पीरियड बताती हूँ आपको। सो अगेन मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि मास्क लगाए हुए है, यानी कि आपके मुंह पे कुछ, आपके पर्सन के मुंह पे कुछ है ना, तो मास्क लगाए हुए है जिसको शायद आप नहीं पहचान पा रहे, और अगर आप पहचान पा रहे हो तो आपके पार्टनर नहीं पहचान पा रहे उस पर्सन को, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी है और आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, और यहाँ पे फिर से वही देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, जो कि निकालने से भी नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना, आपने अपने इनर ब्लॉकेजेस पे वर्क किया है, ठीक है, आपको स्पिरिट पे भरोसा है, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ फिर से आने वाले हो, फिर से वो रोमांटिक से पल गुजारने वाले हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। तो बात करते हैं कि कब तक आपके पर्सन एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार मुझे दिख रहा है 4 डेज़, 4 वीक्स, 4 मंथ में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यही मुझे दिख रहा है आज की इस रीडिंग में। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, बाय।